एक्सएपल एक को नाम तो सुना होगा। इंस्टाग्राम पर जितना भी बाइक राइडर्स है उसमें से यह सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। एंड इंस्टाग्राम का जो बाइक का कम्युनिटी है इसी ने बोलो तो आधा तक गोरो किया है, आधा नहीं बोलेंगे पूरा ही गोरो किया है। और भी काफी सारे राइडर्स है फिर भी ये उनमें से अलग है। तो अभी बात आता है कि हमारा अक्षय पे लोग को भाई इंस्टाग्राम पे उतना ज्यादा तेजी से कैसे पॉपुलर हुआ है, क्या रीजन है इसका पीछे। तो अगर आप भी अपना इंस्टाग्राम आईडी को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप भी इस बाइकर्स हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना। इस वीडियो में मैंने अक्षय पे लोगों के रिलेटेड टॉप 4 पॉइंट बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप भी बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मैं आप लोगों को 4 टिप्स बताऊंगा, तो इसमें जो 3 नंबर का टिप्स है उसको मिस मत करना, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो बात करते हैं हमारा पहला नंबर पॉइंट की, वो है टिकटॉक। तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे टिकटॉक का क्या सीन है भाई। तो बात है 2019 की, जहाँ पर टिकटॉक पे जो बाइकर्स थे वो यूज करता है KTM की बाइक उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, KTM तो बहुत ज्यादा पॉपुलर बाइक है एंड हर एक मिडिल क्लास बाइक का ड्रीम है कि वो KTM बाइक को खरीदे। सो वो अलग बात है, बट टिकटॉक में काफी सारे छापरी राइडर्स क्या करते हैं कि उसको जो KTM का लुक है वो भी पूरा छापरी कर देते थे। मतलब पहले बाइक को खरीद देते एंड उसके बाद उसको कलर करके बस पूरा मतलब छापरी कर देते थे। इसके वजह से KTM का रेस 2019 और 2020 में टिकटॉक बैन होने के बाद KTM पूरा डूब गए थे। एंड उसके बाद आता है हमारा 2021 में इंस्टाग्राम रील्स। उस टाइम से इंस्टाग्राम रील्स का जो क्रेज है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। एंड उस टाइम में हमारा बाइक राइडर्स भी नहीं थे, ओनली 2 राइडर्स थे जो कि है गियर अप एंड इसके बाद मोटो राइडर किट, और भी थे द शैडो 390। तो वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहे थे, ओनली KTM और ड्यूक की बाइक। बट हमारा अक्षय पे लोग को भाई ने यहाँ पे क्या किया, तो वो हम कवर करेंगे 2 नंबर टॉपिक पे, वो है ट्रेंडिंग। अक्षय पे लोग को भाई ने क्या किया, वो एक यूनिक सा चीज को सिलेक्ट किया। MT का बाइक है ना, उस टाइम में उतना ज्यादा पॉपुलर में नहीं चल रहे थे। पॉपुलर होने का एक ही रीजन है कि इस बाइक का प्राइस बहुत ज्यादा कम है, ये हर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा इसको खरीद सकते हैं। तो यही बात होता है कि MT बाइक को लोग इतना ज्यादा खरीदना क्यों चाहते हैं, तो इसका जो मेन आता है वो है इसका लुक, उसका थोबड़ा। ये जो थोबड़ा है ना, ये एक जगुआर का लुक देता है। तो उसके बाद आता है ट्रेंडिंग। तो ये ट्रेंडिंग क्या किया, उस टाइम पर MT का क्रेज बहुत ज्यादा कम था। तो हमारे अक्षय पे लोग को भाई ने क्या किया, जो MT बाइक है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको ग्रो किया, मतलब पॉपुलर एंड वायरल किया, ठीक है। एंड उसके बाद ये अपना पेज का एक नाम दे दिया जिसका नाम है द ब्लैक राइडर। इसका जो वीडियो है वो आप लोग देखे होंगे कि ब्लैक कलर में ही ज्यादातर होता है। एंड उसके बाद आता है हमारे 3 नंबर स्टेप जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। एंड ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड बोले तो इस भाई के लिए मेरा चैनल भी ग्रो हुआ है, वो कैसे, मोस्ट ऑफ द व्यूड वीडियो है वो है इसका ही वीडियो। एक्सेप लोगों का वायरल होने का रीजन एक ही है, वो है एडिटिंग लेवल एंड यूनिकनेस। ये जब एडिटिंग करता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जितना भी बाइक राइडर्स है उनसे ही अलग है। खास करके इसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो भी नेक्स्ट लेवल तक होता है, इसका जो कलर ग्रेडिंग होता है वो भी नेक्स्ट लेवल तक होता है। एंड जो मोस्ट थिंग था वो था इसका फ्लैश इफेक्ट। मतलब ये तो इसका पूरा वीडियो तो ब्लैक कलर की है, बट जब इस ब्लैक कलर में सर्किट को यूज करते हैं, वो भी व्हाइट वाला सर्किट को, वो जो सेक्सी लगता है यार, मैं सच बता रहा हूँ। तो बात निकल कर ये आता है कि एडिटिंग लेवल, आपको एडिटिंग लेवल पर ध्यान देना है। अगर आपका कंटेंट का क्वालिटी ठीक नहीं रहेगा तो वीडियो वायरल ही नहीं होगा, तो इस चीज के बारे को पूरा ध्यान देना है। एंड जो हमारा चौथा टिप्स है वो है लॉयल्टी। तो मैं इसको लॉयल्टी क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग देखे होंगे ये भाई क्या करते हैं, अगर किसी भाई ने को अच्छा कॉमेंट करते हैं तो उसको पिक करते हैं, उसको देते हैं, ये जो अपना फॉलोअर्स है उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो समझो अगर हमारा अक्षय पे लोको भाई किसी का कॉमेंट को पिक करते हैं एंड देन एडिट करते हैं, तो इसकी वजह से हर एक बंदे कॉमेंट करना चाहेगा एंड वो भी चाहेगा कि उसका कॉमेंट ले एंड अक्षय पे लोको भाई ने एडिट करके अपना इंस्टाग्राम पे डाले। ये एक बोले तो ऑडियंस एंड जो क्रिएटर्स है उसका एंगेजमेंट बढ़ती है, बाकी राइडर्स उतना अच्छे तरीके से ये नहीं करते हैं। मैं तो बोलना चाहूंगा ये भी एक हो सकता है। तो मैं जो वीडियो है वो अक्षय पे लोको भाई को टैग करके अपलोड करूंगा, हो सके कि ये वीडियो उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं तो छोटा क्रिएटर हूं ना, अगर कोई भी अलग से अलग बोल दिया हो तो इसके लिए सॉरी।